Hello everyone, welcome to Salt, Pepper and Magic. In today's video, we are going through Indian street food way. I'm gonna make a very popular Indian street food called the Pav Bhaji. So let's get cooking. यहाँ हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर लिया है. अब हम इसमें 3 बड़े बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे. कुछ लोग पाव भाजी में प्याज जो होती है वो ग्राइंड करके यूज़ करते हैं, बट अगर आप इसे चॉप करके यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट और बेटर आएगा. अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई 2 टीस्पून गार्लिक डाल रहे हैं. हम यहाँ इस प्याज को ज़्यादा भुनेंगे नहीं, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है. अब हम इसमें एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई ऐड करेंगे. गाइस, अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनानी है तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप हमेशा शिमला मिर्च को चॉप करके प्याज के साथ ही भुनें, बाकी सब्जियों के साथ बॉईल ना करें. अब मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट. अब हम इसमें ऐड करेंगे सौफ पाव भाजी मसाला 3 टीस्पून. गाइस ट्रस्ट मी, सौफ पाव भाजी मसाला डबल्स द टेस्ट ऑफ पाव भाजी. आई हाईली रेकमेंड दिस मसाला टू बी यूज्ड. यहाँ अब हम इस बोल में बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. यहाँ मैंने ऐड किया है 1/2 घिया. थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैं घिया यूज़ करती हूँ पाव भाजी में. जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट मैं बच्चों को खिलाने के लिए इसमें घिया यूज़ करती हूँ. 1 बड़ी बॉइल्ड फूल गोभी और 2 बॉइल्ड गाजर. मैंने यहाँ 5 टोमेटोज़ बॉईल करके लिए हैं एंड 3 से 4 बड़े आलू उबले हुए. गाइस, ये सब मैंने एक साथ ही बॉईल किया था, बट मैं पहले का वीडियो लेना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये सेपरेट करके आपको दिखाया है. मैंने एक ही कुकर में ये सारी चीज़ें बॉईल करी थी. अब हम इन सारी सब्जियों को एक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे. मुझे पाव भाजी चंकी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बारीक ग्राइंड करती हूँ. अब इसकी कंसिस्टेंसी लेवल करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. नाउ बैक टू मसाला. हमारा मसाला यहाँ अच्छे से भुन गया है. अब मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ. ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मार्केट में रेड कलर यूज होता है, मैंने इसलिए इसमें रेड कलर यूज किया है. अब हम इसमें भाजी ऐड कर देंगे. अब हम इसमें 1 कप बॉइल्ड पीज ऐड करेंगे. अब यहां हमारी भाजी रेडी हो गई है. अब हम भाजी के लिए पाव सेकेंगे. यहाँ मैंने एक तवे पे बटर लिया है. अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सौफ पाव भाजी मसाला यूज करेंगे. कोरिएंडर लीव्स, लिटिल मोर बटर, अब इसमें हम अच्छे से अपने पाव सेक लेंगे.
हमारे पाव भी यहाँ रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। Guys, do try this recipe at home and please give your suggestions in below description box. I'll be waiting for it. अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरी रेसिपीज को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सॉल्ट पेपर एंड मैजिक को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही यमी डिश के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।